हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। एनबीसी न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। फिल्म तीन तिगाड़ा का नया सॉन्ग तू भी रोएगा हुआ लॉन्च। बहुत जल्द ही आप सभी को सुनने मिलने वाला है तीन तिगाड़ा का नया ट्रैक तू भी रोएगा। ये ट्रैक रामजी गुलाटी का है और इसे गाया है ज्योति काटांगी ने। जहां आज इस सॉन्ग का लॉन्च रखा गया, वहीं रामजी गुलाटी और ज्योति का ने तीन तिगाड़ा का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये भी बताया कि ये ट्रैक उनके लिए कितना खास है। साथ ही साथ तीन तिगाड़ा ने बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ के प्रति अपनी ओपिनियन शेयर की। इसके अलावा केक कटिंग के साथ इस लॉन्च पार्टी को सेलिब्रेट किया गया। तो मुझे एक लाइन बोलनी है जो सच्ची में सोच के आया था कि तीन तिगाड़ा को हर बारी प्रूव करने की जरूरत पड़ी है। हमने बहुत मेहनत करी और हमें हर एक दिन प्रूव करना ही पड़ा है। तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अपने फैंस लोगों को करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी फैंस हैं, क्योंकि उनके बिना हम ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं। रियली प्राउड, मुझे हम तीन तिगाड़ा के हेल्प से हमने प्रूफ किया है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि हमारा पिछला गाना रुलाके का इश्क शायद तुक्के में तो हिट नहीं हो गया, पर दूसरी बार तुक्का नहीं होता है और हम पहले दिन पे 6 घंटे के अंदर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने तो जब से ये गाना सुना ज्योति का, मैं तब से ऑन लूप रोज सुनता हूँ ये गाना। तो आई होप हमारे फैंस भी इसको रोज सुनेंगे। गाना रिलीज होने से पहले हम रोज ये गाना सुनते थे। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इतने अच्छे से वो इमोशंस वीडियो में भी आए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि ऑडियो में जितना इमोशंस है उसको आप दुगुना तिगुना इमोट कर दो। दैट गिव्स अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो उनके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला के। तो आई एम हैप्पी कि वो जीते। हम आसिम रियाज में, आसिम और सिद्धार्थ से कोई भी जीतता तो हम बहुत खुश होते। बट सिद्धार्थ बहुत पावरफुल थे तो मुझे लगता है उन्हीं को ही जीतना चाहिए। सबसे पहले तो बिग थैंक यू टू सी म्यूजिक, देन हमारे कंपोजर साहब यहाँ हैं विवेकर, जिन्होंने गाना बनाया है बिल्कुल, और सबसे मधुर आवाज में ज्योति का जिन्होंने गाना गाया, माय फेवरेट। एंड वीर जी कुमार जी इज नॉट हियर, ही इज रीडिंग द लिरिक्स एंड ही इज ब्लेस्ड, यू नो, रुला के गया इश्क भी उन्होंने ही लिखा था। एंड वी आर सो हैप्पी टू अगेन वर्क वंस अगेन ऑन हिज लिरिक्स। और जब ये ऑडियो मेरे पास आया तो मेरे दिमाग में एक ही टीम आई, दैट इज तीन तिगाड़ा, जिसके साथ हमने एक गाने पे अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन कर दिए रुला के गया इश्क। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस ऑल ओवर यूट्यूब, और जल्दी ऑफिशियली चैनल पे भी वो 100 मिलियन होगा। एंड आई रियली बिलीव इन देम एंड दे रियली बिलीव इन मी, सो इट्स वाइस वर्सा। एंड जी म्यूजिक ऑल्सो रियली बिलीव्स इन ऑल ऑफ अस। तो हमें मौका मिला फिर से साथ में आने का रुला के गया इश्क के बाद, एंड दिस इज सच अ हैप्पी मोमेंट फॉर अस, बिकॉज ऑन द शूट वी फेस सो मेनी यू नो थिंग्स ऑल अराउंड, बट जितना अच्छा बन के आया गाना, आप सबने गाना देखा ही हो गया, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए। स्विस वेलनेस इन इंडिया के लॉन्च का हिस्सा बनी नुसरत भरूचा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा वेलनेस ब्रांड स्विस, जहां अपनी डे टू डे लाइफ में कई सारे नेचुरल और हेल्थी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वही आपके प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा अपने इंडिया में भी। और जहां आज इसका लॉन्च था, वही इसके पार्ट बनती हुई नजर आई बॉलीवुड की फिटनेस एक्ट्रेस नुसरत भरूचा। जहाँ उन्होंने बताया कि वो कितना ग्लैड फील करते हैं कि वो इस ब्रांड का हिस्सा है। स्विस प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए नुसरत ने बताया कि कैसे नेचुरल हर्ब्स और फ्रूट से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो हमारे डे टू डे लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नुसरत ने अपने हेल्दी लाइफ के बारे में भी बातें की। Hi, everybody, Tom Press Media. I'm really happy to be here. When you say fitness and health for me are very integral to me. I mean, please don't go with the body that I have. That takes a lot of hard work. But I'm talking about being healthy and happy from within. And somebody said this to me a while back. It's not a crash diet. It's not just what you want to achieve in a stimulated time frame. It becomes a way of life. And I think that's what I completely agree and resonate when Swiss comes here and says that it's a quest. Because when you make it a part of your lifestyle, it becomes a way of your living. You have to naturally start loving what you eat, being healthier, feeling happier, and it will show on you. And that's one journey and quest that I have been on for quite a few years, from the time that I fell in love with what I eat, how I kind of make myself feel healthier and happier with my lifestyle, with food, with exercise. It's a whole thing. And it's become a very, very integral part of who I am today. And this is why when something as
natural ingredients, and when you say that that's what's going to be incorporated in your lifestyle, I'm 100% going up there and buying that product, only because we want to go back to natural resources and try and tap into that. And I love Australia. I think my love affair with Australia started with MasterChef Australia. I started watching it on television and I just couldn't get over that show because they kept talking about natural produce. And I think on a larger scale, when you eat healthy and right, that's what's going to make you feel healthier from within. And I'm just really happy that you guys have chosen to come to India, because the market here has opened up to a completely different lifestyle in terms of food. When you go to a restaurant, you'll have a separate menu, which is your vegan menu or your diet menu or your healthy produce menu. You can definitely go to a nice sort of gym, and they'll give you another set of sort of regimes and food to kind of follow. So the market right now in India is absolutely correct for you to bring this product here, because your multivitamins are going to help everybody who's trying to make a nice and healthier lifestyle and body. And also your food and your beauty, which is always going to be there. So I think I'm glad you guys are here, and we have another avenue and source to kind of bring this in our lifestyle. And I'm going to be your consumer for sure. Even if you don't have this e-commerce very, very reaching a lot of audiences, I'm going to reach out for it for sure. Shashank Khaitan ke birthday celebration mein nazar aaye Bollywood ke kai celebrities. बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अल्पिता, अभी आप अपना लोकप्रिय चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लाइव देख पाओगे। इसके लिए अपने एंड्रॉइड फोन से संबंधित ऐप पर जाकर एनबीसीएन सर्च कर फॉलो करें और अपने मन पसंद साथ ही शहर में हो रहे सभी खबरों पर कहीं भी बैठे देखें।